नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के बाद अब हाड़ौती के बांधों में पानी की आवक बढ़ गई है। इसी को देखते हुए कोटा बैराज में पानी की आवक बढ़ने के बाद बैराज के दो गेटों को खोला गया। बैराज प्रशासन से मिली जानकारी में सामने आया कि कोटा बैराज के 8 और 9 नवंबर के गेटों को कुल 3 फीट तक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में अब तक इन गेटों से 3,759 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज लगातार जारी है। डूंगरपुर के सावला उपखंड के पिंडवाला गांव में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पिंडवाल में गमेला तालाब का जल स्तर बढ़ने से आडेवाला नाला उफान पर चल रहा था, जिसकी वजह से उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग पर पिडावल बस स्टैंड की पुलिया के पास सड़क टूट गई। इलाके के कई हिस्सों में पानी के बहाव के कारण बिजली के खंभे भी गिर गए और सप्लाई भी रुक गई। पिंडावल पुलिया टूटने से आवागमन भी बंद कर दिया गया और पुलिया के दोनों तरफ पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। डूंगरपुर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी तालाबों में पानी की आवक बढ़ी है। इसी के तहत डूंगरपुर के बेडुआ में माही, अनास और जाखम नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। इधर नदी में पानी की आवक बढ़ने से नदी पर हो रहे ब्रिज निर्माण में लगी क्रेन पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई। इस दौरान क्रेन चालक और अन्य मजदूरों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं पानी के तेज बहाव के चलते क्रेन गुजरात के कडाना की ओर चली गई। खबर उदयपुर के खेरवाड़ा से, जहां तेज बारिश के बाद सोम नदी उफान पर है। आपको बता दें कि सोम नदी बावलवाड़ा सरोली जवास होती हुई ऋषभदेव के कागदर डैम में सम्मिलित होते हुए आगे जाती है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों तालाबों में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिसके चलते क्षेत्र के कई तालाब भर गए हैं। बांसवाड़ा में बारिश जानलेवा होती जा रही है। शनिवार को गुजरात सीमा से सटी अनास नदी पर अस्थि विसर्जन के लिए आए 60 लोग अचानक नदी के तेज बहाव के साथ बह गए, जिसमें से 55 लोगों ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 5 लोग नदी में बह गए जो गुजरात के कनकासिया पंचायत से आए थे, जिनमें एक का शव रेस्क्यू टीम ने शनिवार को तो एक का शव आज मिला है। वहीं एक को जिंदा बचाया गया, लेकिन अभी भी 2 की तलाश जारी है। आपको बता दें, यह हादसा अनास की सहायिका जालिमपुर नदी पर हुआ था, जहां कनकासिया पंचायत के डूडी गांव के लोग अस्थियां विसर्जित करने आए थे। उस समय पानी की आवक कम होने से लोग नदी में उतरकर बीच तक चले गए, लेकिन देखते ही देखते पानी का बहाव तेज हो गया और लोग बह गए। उधर गुजरात और सज्जनगढ़ से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जो लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। अजमेर के पुष्कर सरोवर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस ने मृतक की शिनाख्त राकेश परिहार के रूप में की। वहीं इस पूरे मामले को आत्महत्या से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से, जहां क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर जारी है, वहीं बारिश से नदी नले उफान पर हैं। जाखम नदी की पुलिया पर करीब 3 फीट पानी भरा हुआ है। इधर पुलिया पर पानी के भराव के कारण राहगीरों को परेशानी हो रही है। अब राहगीर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। बीकानेर के कोलायत में कई गांव ऐसे हैं जहां कई सालों से पानी नहीं पहुंचा। राणासर, सिद्धुका, पाबूसर सहित नजदीकी ढाणियों में कई सालों से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीण पृथ्वी सिंह राणासर ने बताया कि गांव में बनी पानी की टंकी है, लेकिन उसमें पिछले 20 सालों से कनेक्शन नहीं हुआ है। ग्रामीणों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और विधायक भंवर सिंह भाटी को भी समस्या से अवगत करवाया है और समाधान की मांग की है। हमारे कोलाई क्षेत्र के लाखासर, पाबूसर, सिंधुका ऐसे 3 गांव हैं जिनमें पीछे कई समय से पीने वाला पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए हम पीएचडी विभाग को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर पीएचडी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। पीने वाले पानी के लिए दूर दराज से पानी वाला टैंकर मंगवाना पड़ता है। किसी के पास अगर टंकी है तो वो अपनी टंकी से लेके आता है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने रविवार को कस्बे में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए थे। इसी को देखते हुए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सभी बाजार बंद रहे। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही खुला रखने की अनुमति थी। और अब खबर टोंक के निवाई से, जहां भगवान देवनारायण का प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देवनारायण मंदिर ट्रस्ट जोधपुरिया की ओर से मंदिर में विशेष आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर आज रात 10 बजे से 11 बजे तक भगवान देवनारायण के काशी की थाली में दर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण A1 TV पर किया जाएगा, जिसका लाखों लोग घर बैठकर आनंद ले सकेंगे। प्रदेश भर में कोरोना का कहर जारी है, जिसका असर अलवर के लोक देवता भरतहरि और पांडुपोल धाम पर आयोजित मेले पर पड़ रहा है। प्रशासन ने सोमवार से शुरू होने वाले मेले को निरस्त कर दिया है, लेकिन श्रद्धालुओं की आवाजाही का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेड्स लगाकर श्रद्धालुओं को मेला स्थल पर जाने से रोका जा रहा है। थानागाजी पुलिस की ओर से थैंक यू बोर्ड से भरतहरि और पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते थानागाजी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और खबर अजमेर के मसूदा से, जहां सलरमाला गांव में भाई बहन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि शनिवार देर रात दोनों भाई बहन के सिरदर्द और उल्टी होने पर मसूदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां गंभीर हालत होने पर ब्यावर ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के सुपुर्द किया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
झालावाड़ के खानपुर में मवेशी चराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान करीब आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल को सारोला CSC लाया गया, जहां से उसे चिकित्सकों ने गंभीर हालत में झालावाड़ रेफर कर दिया। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर के चाकसू से, जहां जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर ट्रेन की टक्कर से 5 गायों की मौत हो गई, जबकि 3 गाय अभी भी मौके पर जख्मी हालत में तड़प रही हैं। लेकिन ना रेलवे विभाग ने और ना ही किसी अन्य लोगों ने इनकी जानकारी ली। ऐसे में मौके पर जख्मी जिंदा गायें भी समय रहते उपचार के लिए दम तोड़ती नजर आ रही हैं। मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब तक गाय दूध देती हैं, तब तक पशुपालक उसे घर में रखते हैं और दूध देना बंद किया तो आवारा घूमने के लिए खुला छोड़ देते हैं, जो सड़कों पर राहगीरों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही हैं और खुद पशु भी हादसों का ग्रास बन रहे हैं। रविवार को हुए हादसे में गायों की मौत के बाद भी गौपालक और स्वयंसेवी गौरक्षकों ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली है। राजधानी के शिवदासपुरा थाना इलाके में देर रात राधा सरल बिहारी मंदिर के पास एक लोडिंग टेम्पू दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक को अचानक नींद की झपकी आने से टेम्पू डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने टोल एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। बीकानेर के लूणकरणसर में हादसा, ट्रेलर से टकराया खाली गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। बामनवाली के पास की यह घटना बताई जा रही है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के घटाऊ गांव में उप सरपंच ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता गांव के उप सरपंच थे, साथ ही गांव में किराने की दुकान चलाते थे। घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना के बाद परिवार के लोग खाना खाकर सो गए। जब सुबह उठकर परिजनों ने देखा तो महिपाल सिंह नहीं मिले, जिस पर कुलदीप सिंह अपने पिता को तलाशते हुए दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान अंदर से बंद थी। उसके बाद कुलदीप सिंह ने परिजनों को बुलाया और दुकान का दरवाजा तोड़कर देखा तो महिपाल सिंह दुकान के अंदर पंखे से फंदे पर लटके मिले। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। टोंक के देवली में पिछले दिनों एक्सिस बैंक के ATM से लूट का प्रयास करने की घटना में नया तथ्य सामने आया है। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 20 अगस्त की रात सावर कस्बे में भी इसी तरह से ATM लूट का प्रयास किया गया था। इन दोनों वारदातों में वीडियो फुटेज के आधार पर एक ही गिरोह के शामिल होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। अलवर की नीमराणा पुलिस ने कुख्यात बदमाश विक्रम उर्फ लादेन गुजर को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। नीमराणा पुलिस विक्रम उर्फ लादेन गुजर को भरतपुर के सेवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई है, जिससे पूछताछ की जा रही है। लादेन गुजर कुख्यात बदमाश है। वे राजस्थान और हरियाणा में लादेन गैंग संचालित करता है। जनवरी 2020 में नीमराणा के एक व्यापारी से फोन कर 20 लाख की रंगदारी की मांग की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा बसपा नेता की हत्या की साजिश का भी आरोप लादेन गुर्जर पर है। बताया जा रहा है कि जसराम गुर्जर की हत्या के बाद पपला गुर्जर लादेन गुर्जर के पीछे बहरोड़ आया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी को जनवरी माह 2020 में हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ लादेन द्वारा धमकी दी जाकर 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूल करने के लिए बार बार फोन आ रहे थे तथा रंगदारी के 20 लाख रुपए नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी जा रही थी, जिस पर श्री राममूर्ति जोशी IPS पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देश पर आज कार्रवाई करते हुए
विक्रम उर्फ पपला, विक्रम उर्फ लादेन गुजर को भरतपुर के सेवर से गिरफ्तार किया गया है। विक्रम उर्फ लादेन गुजर जो हार्डकोर अपराधी है, जिस पर 22 पूर्व में हत्या, लूट तथा डकैती के मुकदमे दर्ज हैं, जिससे पीसी रिमांड पर लिया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। खबर नागौर के खीवसर से, जहां पांचला सिद्धा और ईसनवारा सरहद पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद खीवसर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। शव की शिनाख्त पापासनी गांव निवासी मनोहर लाल हुड्डा के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और धरना प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों की 3 मांगों पर सहमति बनाकर मामला शांत कराया। मेरा भाई है छोटा मनोहर लाल, वो अभी मतलब सुबह मिली है बॉडी पांचला इस नावड़ा रोड पे। इसने सुबह सूचना दी हुई थी तो मैं पांचला वहाँ मौके पर पहुंचा था। बॉडी की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनके मुंडे पे एसिड वगैरह डालकर बॉडी मतलब खराब की हुई थी। बाड़मेर के समदड़ी से पिछले 5 दिनों से लापता प्रधान पिंकी चौधरी पुलिस को मिल गई है। समदड़ी थाना अधिकारी मीठाराम चौहान ने बताया कि प्रधान पिंकी चौधरी के पिता ने 20 अगस्त को पिंकी के घर से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि पिंकी 18 अगस्त को ही घर से लापता हो गई थी। सोशल मीडिया पर भी कई तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने संदिग्ध आरोपी के घर जब पिंकी की तलाश की तो उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से अशोक चौधरी के साथ रह रही है, किसी तरह का उस पर दबाव नहीं है, वह अशोक चौधरी के साथ ही रिलेशनशिप में रहना चाहती है। साथ ही उसने ससुराल वालों के खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया। पतारसी के दौरान 5 दिन की पतारसी के दौरान मुखबिर मामूल के सोर्स लगाए, जो भी पुलिस से संभव होते थे वो कार्य किए। आज मुझे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि पिंकी प्रधान घर पे अपने गांव आ चुकी है पीएम में। मैं यहाँ से गया, वहाँ गया उसके पिता के घर पे पूछा तो वो वहाँ नहीं मिली, पर जिस पर संदेह था उसके घर पर पहुँचा, वहाँ पर पिंकी मिली। उससे मैंने पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं अकेली गई थी और मेरी मर्जी से गई थी। शादी के बारे में उसने पूछा तो उसने बताया कि मैंने अभी तक फिलहाल शादी नहीं की है। मैं अशोक सनोप सोहनलाल चौधरी निवासी गोड़ियान चौधरी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। इसके अलावा उसने अपने ससुराल वालों के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करने का कहा। फिर उसके बयानों के मुताबिक वो अपने अशोक के साथ रहना चाहती थी और खुद बालिक है, इसलिए उसको वहाँ पर उसके बयान हमारी कार्रवाई थी वो पूर्ण करके हम आज। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।